Hi, I myself Guru and this my city. आपने कभी धोबी के ऊपर गधे को बैठा देखा है? यहाँ दिखेगा। और भगवान के पीछे शैतान वो भी दिखेगा। ये शहर है ही ऐसा अजब गजब। वेलकम टू संकट सिटी। पिक्चर फ्लॉप सबकी होती है, लेकिन 7 पिक्चर है सिकंदर जी, और वो भी एक के बाद एक, सब लाइन से फ्लॉप। मेरा टाइम फिर आएगा, याद रखिएगा मेरी बात। मेरी नई फिल्म का मास्टर गगन सुपर हिट होने वाली है इंशाल्लाह। इस फिल्म में मेरा एकदम अलग किस्म का कैरेक्टर। हाँ जी लवली जी, मिलाए आप इसको। यो सिकंदर खान तो बिल्कुल खत्म है बाबा, नाक रगड़ रगड़ के रो रहा था और टाइम मांग गया भिखारी। कह रहा था कि एक आध पिक्चर और रिलीज होने दो तो फिर सारा पैसा चुका दूंगा। आपको क्या लगता है होंगी इस हीरो सिकंदर खान की पिक्चरें रिलीज? उसकी पिक्चरों को तो कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। हमारे हिसाब से तो उसका उधार माफ करना पड़ेगा फौजदार बाबा। तो उधार माफ कर दो, सर से पांव तक, ऊपर से नीचे तक माफ कर दो। परसों I'm fully confident. इस फिल्म के बाद I'm going to be back with a bang. Boom. ये शादी नहीं हो सकती। प्राइम मिनिस्टर का फोन आया था कि मशहूर आईएसआई एजेंट अल्ताफ फारूकी के नापाक कदम हिंदुस्तान के सरजमीन तक पहुंच चुके हैं। जाओ हमारी दुल्हन से कह दो कि फर्ज के आगे रिश्तों की कोई परवाह नहीं करता है गन मास्टर गगन। और ये भी कह देना कि अगर हम अपने मिशन में कामयाब हो गए तो ये सेहरा फिर सजेगा, ये डोली फिर उठेगी। कहिए भारत माता की चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, तबड़िक 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 तबड़िक। तो क्यों नहीं बोला था यार? सारे सारे शॉट पीने से सारे अभी बूम मार के कट बोलने का। सारे ले तू ही बोल दे। मैं बोलेगा अरे कट वंडरफुल शॉट सारे, वंडरफुल शॉट नहीं शिट। लिंगम है इस फिल्म में ऐसा बहुत सारा शिट शॉट, सब मिला के हाथी का गोबर। बंडल स्टोरी, बंडल डायरेक्शन, और सबसे बंडल ये कि मेरा हीरो का मार्केट एकदम जीरो। और इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई माइका लाल नहीं बचा सकता। बी पॉजिटिव सर, यह पिक्चर हिट जाएगा या नहीं जाएगा, नेक्स्ट जाएगा। बी पॉजिटिव सर, नो 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 नेक्स्ट पिक्चर। लिंगम, मल्टीप्लेक्स का जमाना है, अपना टाइम खत्म, दिस इज लास्ट फिल्म। फिर आप क्या करेगा? आप छोड़ो, मैं किधर जाएगा? ओए तू स्टूडियो जाएगा, और किधर जाएगा? स्टूडियो सर। अरे यार, तैनू बताया तो था कि रिटायरमेंट के बाद लैंड खरीदूंगा और उसमें एक बहुत सोना स्टूडियो बनाऊंगा, तू भूल जाता है यार। अयो यो, वो स्टूडियो सर है, मेरे को लगा आप काली पीली ठेका लगा के बंकस मारता है सर। नहीं, पीने के बाद लाइफ शुरू होती है। हॉलीवुड टाइप स्टूडियो बनाऊंगा और उसमें मैनेजर होगा एकदम मद्रासी टाइप। मद्रासी मतलब सर? मतलब तू यार, अब बता यार अगला शॉट क्या लेना है। बाकी बची हुई पिक्चर खत्म करते हैं और खिसक लेते हैं यहाँ से। भाई सर, हाँ ऐसा है तो फिर ये कैमरा इधर लगाने का, कैमरा इधर लगाने का सर, और शॉट इधर बिठाने का। वहाँ तू जेल का अंदर और यहाँ मेरा हवा टाइट। थैंक गॉड जॉनी अपना सेठ का हाथ पैर जोड़ के मेरे को ड्राइवर का नौकरी पे लगा दिया। जॉनी वो तेरा कजन? करेक्ट, बाउंसर है फौजदार का नाइट क्लब में। गैंगस्टर टाइप आदमी है फौजदार, बहुत गर्म खोपड़ी का, कुत्ते का माफिक ट्रीट करता है मेरे को। एरकम का था? हाँ तो छोड़ देना साले की नौकरी, पगार अच्छा मिलता है, अभी पैसा का जरूरत भी है, गर्लफ्रेंड जो कर लिया है। अरे वाह क्या बात है मेरे फिलिप पट्टू। कौन है? गुलबदन। गुलबदन करती क्या है? वो अब लॉज के अंदर में काम करती है। कौन सा लॉज? लाला लॉज। कौन सा लॉज? वो लाला लॉज। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता, धंधे वाली है। पट्टू बीमारी से बच के रहना, कॉन्डम यूज करता है ना, पर्स में लेके तो घूमता है, पर वो कहती है कि फिलिप सेक्स शादी के बाद ही मनाएगा। ना कामो, चल छोड़, तू अपना बता क्या सोचा है आगे का। एक लास्ट काम करते हैं, फुल एंड फाइनल, लंबा हाथ मार के सीधा रिटायर। देखो ना ये लफड़ा वाला काम नहीं करेगा अभी अपन। बस क्या? पर एक काम में मैं तेरा हेल्प कर सकता, वो फौजदार का नाइट क्लब है ना, उधर में तेरे को एक से एक बकरा मिलेगा, आसामी टाइप। उधर तेरा एंट्री मैं कराएगा, ये मेरा हेडअप, ठीक? अरे बीची काट लो कि एक है। ओ भाई, ओ एक मिनट, एक गाड़ी रुको, एक मिनट भाई, हेलो रुको, एक मिनट भाई, गाड़ी मेरी है। नो पार्किंग में लगाने को मैंने बोला था क्या? अरे यार मामला यही निपटा लेते ना, एक सेकंड। घूस दे रहा है? कोई बात नहीं, एक काम कर, तू जेब में रख, चौकी पे जा, 200 रुपया और मिला इसमें, और गाड़ी छुड़ा ले। चल अब टाइम खोटी मत कर। अरे मेरी बात तो सुन भाई, अबे अरे सुन तो लो, अरे और ले लो यार पैसे। मेरी गाड़ी, अरे रोको भाई, मेरी गाड़ी भाई मेरी गाड़ी लेके रोको उसको। अरे वो तेरी गाड़ी नहीं, मेरी गाड़ी है। ए देवदास, रात की उतरी नहीं क्या म्यूनसिपालिटी गाड़ी को अपना बता रहा है तू? कौन सी गाड़ी की बात कर रहा है? टो ट्रक की। क्या तेरा ट्रक भी ले गया? km/s की रफ्तार से लायोनिड मिटियोर अरेबियन सागर में गिरेगा, जिसकी वजह से मुंबई और महाराष्ट्र के कई तटवर्ती इलाकों में भूकंप के हल्के झटके महसूस होंगे। इसी के साथ आज तेरे को मैंने कितनी बार बोला है, इसके नीचे मत सोया कर, एक दिन गिरेगा ना तेरे पे गलपत से चपाती बन जाएगा तू। मुंबई में ना वो भूकंप टाइप का कुछ आने वाला है, मालूम है तेरे को? अब क्या करूं गुरु, और कहीं नींद भी तो नहीं आती। चलो उठ, चल डिनर करते हैं। मस्त परवल की भाजी बनाई है। परवल की भाजी? हाँ, हाँ? टेस्टी एकदम। हाँ। अपना तो खाना हो गया भाई। बस क्या मस्त बिरयानी शिरानी टाइप का खा के आए हैं। तो डेंजर है यार सच में यार गणपत। अरे एक बार भी ध्यान में नहीं आया कि गैरेज में बुड्ढा वेट कर रहा होगा भूखा। तो मैं क्या तेरी मम्मी हूँ, हर 2 घंटे में सीने से लगाऊं दूध तो पिलाऊं? अरे लंच और डिनर खाली 2 बार इस बुड्ढे को कंपनी देने से तेरी क्या बैटरी डाउन हो जाएगी? तेरे साथ खाने में प्रॉब्लम है बुड्ढे, खाता मैं हूँ आवाज तू करता चपर 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 चपर। ऐसा? हाँ। ऐसा? हाँ। आज से कभी भी तेरे साथ खाना नहीं खाऊंगा। खाना परोस दो, थाली में परोस देता हूँ। मेरा मूड ऑफ हो गया तो ठीक है, ऑन कर देते मूड। बाहर तेरे लिए क्या लाया देख। क्या देख? तो क्या देख? देख देख भाई, फर्स्ट क्लास फीस है गुरु, अच्छा पैसे मिलेगा। हाँ, तेरे शराफत के होते हुए मिल चुके अच्छे पैसे। कब से बोल रहा हूँ किसी नए भड़वे को ढूंढ लेते हैं, लेकिन नहीं तो पकड़ना। किसने मना किया है? अरे पर तब तक शराफत से काम चला। अंदर लिया। अरे पढ़ मत काम कर चल गुरु हो जाए शुरू। तुझा आईला तुझा बाई बाई मन मोरा कसा पिता। अरे रोक सामने बकरी है भाई, बकरी ठोक ली रे। आई टोल्ड नो शॉर्टकट, यू नो लिसन। अरे बस करना ससुराल, नया नया पेंट है उखड़ जाएगा यार। चल ले जाए इसे ससुराल। हाँ शराफत को गाड़ी बाद में। हाँ पहले अपने बच्चों से मिलूंगा। चल मैं चला सोने। अरे क्या है वो गाड़ी के नीचे में सोना? चल चल निकल निकल। पता चलो हमेशा भी निकल इसमें। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। हु इज हियर? पापा इज हियर। Ah, you missed me. I missed you also. Now Papa will give all you breakfast. Breakfast? Hey, slow motion. अभी तो हंसते यार। हाँ हाँ समझ गया समझ गया, अब रखता हूँ। खुदा पे। हाँ अरे ईद के चांद खैरियत तो है? लगता है धंधे में दिल नहीं लगता तेरा। अरे वाह अच्छा पीस है, गणपत के हाथ में जादू है। बुड्ढे को ले आएगा भी, अरसा हो गया मिले हुए। अरे गैरेज के बाहर निकलेगा तभी तो लेके आऊंगा ना। साला खुली हवा क्या है भूल चुका चाचा मेरा। मुंबई में खुली हवा कहाँ है भाई, हमें भी बता, हम भी सूंघ ले। बॉस ऐसा है ना शराफत भाई, वेदर विदर की छोड़ो, गाड़ी का कितना दोगे बता। अरे मेरे बाप बिकने तो दे, रोकड़ा आते तेरा हिस्सा भिजवा दूंगा। हाँ चर्बी भिजवाएगा, चाप और बोटी खुद खा लेगा। है खुदा जानता है मैंने कभी किसी का हिस्सा नहीं दबाया। आजकल धंधे में पहले जैसी बात नहीं है, पहले कीमत है जो मिलती। नहीं 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 नहीं, सैड स्टोरी नहीं सुननी है भाई, जेब ढीली करो, राशन पानी के वांदे। अरे भाई आज मैं डिसाइड करके आया हूँ, बगैर पैसे के नहीं जाऊंगा यहाँ से। ठीक है ठीक है मेरे बाप, बतौर एडवांस 2-3 हजार ले ले, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अरे 2-3 हजार में बच्चों का खाना नहीं आएगा भाई। ले ले भाई मैं। अबे 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 वापस दे पूरे 10 हजार। हाँ, इससे में से काट लेना। अरे तत्ता, अरे फोन 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 फोन। अरे यार हेलो, गॉगयार्ड इंटरनेशनल से लिंगम। हाँ लिंगम भाई 1 सेकंड होल्ड करो। अबे ओ 2-4 नोट तो देता जा, जेब में 1 थैला भी नहीं है। इतना रोता है ले आला दे। अबे साला चूना लगा के। हाँ लिंगम भाई बोलो क्या खिदमत करूँ? शरावत सर एक गाड़ी का अर्जेंट जरूरत। अरे सर गाड़ी ब्रांड न्यू दिखना मांगता, बैटरी पैक माफक सर। अभी अभी फैक्ट्री की कोक से निकला हुआ ऐसा एक पीस पेश कर सकता हूँ जनाब, और दाम सिर्फ 2 लाख। क्या शराफत सर 2 लाख? तुम भी ना सर, गाड़ी चलाने का नहीं है, आकर्षण सीन में उड़ाने का है सर। ऐसा करो सर, इंजन तुम रखो, मेरे को काली गाड़ी का ऊपर का डब्बा दे दो। डब्बे का कितना? सर वो बाद में देखेगा, पहले भेजो तो। अरे भिजवाऊंगा कैसे, इंजन तो निकल जाएगा ना। ड्राइवर करके लेके आओ सर, इंजन इधर ही निकालेगा। तो इंजन वापस कैसे लेके जाऊंगा? ट्रक में। ट्रक का पैसा कौन देगा? तुम्हें देगा और कौन। बाय सर, ओके। शरापत भाई ला गोगी आटे इंटरनेशनल है। फौजदार बोल रहा हूँ जी, गोगी को दो। होल्ड सर, मैं हीरोइन बनाऊंगा अपनी डर्टी। डियर मैडम, आई बैक टू से दैट। भाई का फोन है। कौन सी भाई का? काम वाले भाई ने। फौजदार भाई। लेके जा। गाड़ी तुम सारा करो, मैं ऐसा कब तक चलेगा? पैरी पहना पाजी, क्या हाल है? महाराज की कृपा है जी। कैसी चल रही है जी तेरी फिल्म? बुरा हाल है पाजी, ऊपर से मेरे हीरो को कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। ओ जी गोगी जी, मतलब धरती पे बोझ है तेरा हीरो। हाँ जी। तो धरती का बोझ तो थोड़ा कम होना चाहिए ना, है कि नहीं जी? समझ नहीं आया जी। और मैं तो तेरे हीरो को आज ही झपकाने वाला था जी, फिर मैंने सोचा कि तेरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया। नहीं पाजी, अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत जो पिक्चर बाकी है मैं डुप्लीकेट के साथ पूरी कर लूंगा। मतलब तेरे हीरो को मैंने मार दिया तो तेरी फिल्म पर असर नहीं पड़ेगा क्या? घनघोर असर पड़ेगा पाजी। अभी मेरी पिक्चर है मंगल पांडे, ते इधर हेडलाइन छपी और उधर वो हो जाएगी लगान। पाजी सिकंदर को ना जल्दी शूटिंग के बीच मेरे सेट के ऊपर ही शहीद कर दो। कुली याद है, बच्चन जी को तो थोड़ी सी चोट लगी थी, अपना तो पूरा का पूरा बंदा ही खत्म हो जाएगा पाजी, बेड़ा पार हो जाएगा। 1000 प्रिंट के साथ रिलीज करूंगा, ओवरसीज दी गली छड्डो। और तेरी स्कीम तो ठीक है, मगर क्या है ना, हमारा लवली जो है ना थोड़ा साई किस्म का है, और तेरे सेट पर लोग होते ना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है जी। तो पाजी आप किसी सुपारी किलर से काम करा लो ना। ओए, सुपारी किलर के पैसे कौन देगा? तेरा बाप। वो तो पाजी मैं पब्लिसिटी के बजट से जुगाड़ कर लूंगा। और तू बड़ा सलाख है, तेरे को तो मेरे नीचे काम करना चाहिए जी। नीचे ही काम करता हूँ पाजी आपके। तू मेरे को फिल्मी स्टोरियाँ सप्लाई करता है, उसको काम करना बोलता है तू। पाजी आज रात दी कोई रिक्वायरमेंट हो तो दसो। नहीं आज की नहीं, कल भेजना। तू मद्रास की होनी चाहिए, डायनामाइट टाइप। ए जल्दी करो, ए जल्दी से कनेक्शन कर। जल्दी उसको मास्टर जी, क्या चिल्ला रहे हो आप? इधर आओ आप। ए उसको भी बुलाओ, भाई साहब आप भी आइए। ओए वायर इधर आ। सॉरी सर। अब जाओ। पैसों का जुगाड़ कैसे करूँ वरना फौजदार सिकंदर की। गोगी जी मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा अगला इंस्टॉलमेंट कब ड्यू है? अरे केडी इंस्टॉलमेंट सर जी? सर आपकी तो फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुकी है। हाँ? कोई और पिक्चर की हो सकती है फिर? और कौन सी पिक्चर कर रहे हो आप? नहीं कर रहा हूँ। नहीं गोगी जी, यानी सब मनी। गोगी जी मुझे जरूरत है पैसों। रिलैक्स कूल इट। सिकंदर जी आप एक काम करो ना, आप वैन में बैठो और फटाफट रेडी हो जाओ। तब तक ना मैं एक ब्लास्ट का शॉट ले लेता हूँ, उसके बाद आपका लेता हूँ शॉट। ओए लिंगम कहाँ मर गया तू? क्या बोला सारा? मैं पूछ रहा क्या कर रहा तू? वही मैं खाने डाल रहा हूँ सारा, ब्लास्ट का शॉट है सारे। ब्लास्ट रेडी सर। रोल साउंड। रोलिंग। रोल कैमरा। रोलिंग। 139/1 टेक 1 एंड एक्शन। एक बात बताओ सुलेमान जी, मैंने सुना है कि ये सिकंदर खान आपका बेस्ट फ्रेंड था, फिर भी ठोक दिया आपने उसको। हाँ फौजदार साहब, पैसों के लिए तो मैं अपने बाप को भी ठोक दूं। बाप को भी ठोक दो? माने जी आप तो। मुझे बड़ा सुकून मिलता है आपकी गाड़ी में। कार हो तो मर्सिडीज, वरना मेरी टैक्सी क्या बुरी है? लो जी, आप ही खरीद लो एक मर्सिडीज। मुझे क्यों गरीब का मजाक उड़ाते हो? 50 लाख की अपनी औकात कहाँ है? 10-15 में दिला दूं क्या? लाई बन जाएगी ना। वही शुतुरमुर्ग सराफत को फोन लगाओ जी, चोरी की गाड़ियों का दल्ला है जी, करा दो बाल जी। और ठोकेगा, रोड पे नजर रख कुत्ता साला। गुड इवनिंग सर। लवली कहाँ है जी? रिमांड रूम में सर। जी हाँ जी मेरे दिल का टुकड़ा, कल का ठेकेदार और आज का बिल्डर, वादा निभाना कोई आपसे सीखे। 25 सियासी, काश मेरे सारे कर्जदार आप जैसे होते। 25 सियासी। फौजदार साहब, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ जी फरमाओ। वो मैं 1 करोड़ का ही इंतजाम कर पाया हूँ अभी सिर्फ, तो बाकी के 2 करोड़ कौन देगा जी? आपका कजन ब्रदर? नहीं, मैं ही दूंगा। पर वो पर वो इनकम टैक्स की रेट पड़ गई मेरे इधर, इसलिए मैं। 25 सियासी। आओ जी 25 सिया साहब, आओ जी, आओ इनसे मिलो जी। लहू लुहान होने से पहले हुआ करते थे मिस्टर मुराखिया साहब। कर्जा लिया था जी इन्होंने हमसे, लौटा नहीं पाए, तो जानते हैं क्या किया? ये भाग गए और साले जाके सुबह गए सासन गिर में। अब यहाँ बैठे हैं जी, सेवा करवा रहे हैं। तो 25 सिया साहब, मैं क्या चाहता हूँ ना कि आप भी थोड़ी सेवा करो इनकी। हाथों से प्रसाद दो जी इनको। करो ना, मजा नहीं आया? 25 सिया साहब, थोड़ा जोर से मारो, घूसा मारो जी घुमा के। ये हुई ना बात। महाराज जी की जय। कितना है जी? 6। ओके, अब आपके पास मेरे 2 करोड़ वापस करने के लिए 6 दिन है जी। साहब, अगर आप चाहे तो मैं आपका पैसा आज ही वापस कर दूं। अभी पर अभी तो आप कह रहे थे कि आप कंगाल बैंक ऑफ इंडिया हो। नहीं, कैश नहीं है। पर मेरी एक जमीन है पनवेल में, वो आप रख लो। जमीन का मैं क्या करूंगा 25 सिया जी? कबड्डी खेलूंगा मैं। इस जमीन के पसड़ में नहीं पड़ना चाहता। रोकड़ा दिया था ना, रोकड़ा ही वापस लूंगा। अब गॉडफादर का हाथ चूमो और पैसे के इंतजाम में लग जाओ। चूमो जी। मिस्टर हुआ है ऐसा शॉट ऑफ टकीला। वफा में यहाँ पे यारों के हुए अपने भी पराए, अदा से यहाँ पे नोटों के कैसे खुद को तू बचाए। अभी तो उठे हैं ये कदम प्यारे, मिलेंगे धोखे भी राहों में सारे। होश से हाँ गोगी बोल, क्या हालचाल है? कोई हाल ना कुछ, बुरे हाल है। हाँ यार, वो देखा था न्यूज़। क्या बताओ यार, रायता फैला हुआ है, शूटिंग बंद है, एक्शन डायरेक्टर जेल के अंदर है, ऊपर से पुलिस के टंटे, चैन से बॉडी भी क्लेम नहीं करने दे रहे। बॉडी बची है? हाँ वही यार, आधी खोपड़ी, ईरान का हिस्सा, नल्ली टाइप के पार्ट, कुछ उंगलियाँ, यही सब। रो कौन रहा है? क्या हुआ? अच्छा उसको छोड़, ये बता तूने फोन क्यों किया? हाँ अब तूने अपने स्टूडियो के लिए जमीन खरीद ली क्या? नहीं अभी तक नहीं। क्यों? मेरी पनवेल वाली जमीन खरीदेगा? यार तेरे को तो पता है कि स्टूडियो के लिए उससे अच्छी जमीन मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन तू उसकी कीमत ही बहुत ज्यादा मांगता है। देख आज एकदम नया ऑफर है, 2 करोड़। सुबह से कोई और नहीं मिला क्या? गोगी मैं 25 बोल रहा हूँ, 25 कट्टू कट वाला। पता है देख आज मैं थोड़ी मुसीबत में हूँ, तकलीफ है मुझे, इसलिए 4 वाली जमीन 2 में बेच रहा हूँ। जल्दी बोल। देख भाई अगर ये बात है तो ये डील पक्की समझो। इनफैक्ट 1 करोड़ रुपया तो मैं अभी तेरे घर पहुँचा सकता हूँ, ऑफिस में पड़ा हुआ यार, और बाकी का धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट दे दूंगा। चेक नहीं गोगी तू पहले मेरी पूरी बात सुन ध्यान से। देख सेल की मेरी 2 कंडीशन है। नंबर 1, 2 करोड़ मुझे कैश चाहिए। दिमाग खराब हो गया तेरा यार, मरवाएगा तू? देख सस्ते का सौदा है सोच ले। दूसरी शर्त क्या है? कैश मुझे 3 दिन के अंदर चाहिए, नहीं तो मैं ये ऑफर लेकर किसी और के पास जाऊँगा। रुक तो सही, सुन तो सही यार, समझ ले पैसों का इंतजाम हो गया, वो जमीन मुझे किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए। ओके ओके मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा, ठीक है? चलो बाय 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 बाय। माइंड ब्लोइंग। वन मोर लार्ज, नहीं वो 1 स्मॉल विस्की दिस टाइम, लिटिल वीक। स्मोकिंग किल्स, लाइक व्हाई नॉट? श्योर। I've quit. 2 महीनों से नहीं पी। 1 more shot for me. कमाल है, आप पीती नहीं है पर पैकेट रखती है। खुशबू पसंद है। ओह बहुत दर पाजी, आप ही इंतजाम कर सकते हो जी, अर्जेंट जरूरत है। ओजी गोगी जी बड़े लकी हो जी आप। अभी अभी एक पार्टी 1 करोड़ रुपया छोड़ के गई है, बोलो तो भिजवा दूं अभी। मेहरबानी पाजी, बहुत बहुत मेहरबानी, मैं जल्दी वापस कर दूंगा जी, इंटरेस्ट के साथ। वो आपकी मद्रास वाली डायनामाइट का क्या हुआ, अभी तक पहुंची नहीं? अब पाजी लिफ्ट में आपकी, समझो अभी घर की घंटी बजती होगी। आवाज चला गया। हाय आई एम रिया। आई एम पवन 25 बिल्डर। हे दैट्स अ नाइस स्टोन। यस टी फ्लॉलेस, 2 carats, ब्रिलियंट कट, ग्रेट टेस्ट मैन। ओह माय गॉड कमाल की नजर है आपकी। एक्चुअली मेरे डैड का डायमंड का बिजनेस है केप टाउन में। ओह माइंड ब्लोइंग, आप भी वहीं रहती हैं? मुझे यहाँ अच्छा लगता है। आई जस्ट लव बॉम्बे। आई लव बॉम्बे आल्सो। आप करते क्या वैसे? हाउस वाइफ हूँ, हस्बैंड और 2 छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखती हूँ। डोंट बी सिली मैन, आई एम सिंगल। माइंड ब्लोइंग। यू नो व्हाट, तुम्हें कोई बात है ना? तुम्हें कोई बात है। अब चलो मुझे टैक्सी तक छोड़ो। चलो। टैक्सी क्यों? गाड़ी है ना मेरे पास, कार लेटेस्ट। कम इन डोंट फील शाई, यू चेंज गियर आई विल ड्राइव। और जोनी पैसा तू सब एकदम फिट। किधर जाता फिलिप? वो गोगी साहब है ना, उसको माल पहुंचाने का। योर हाउस ऑलरेडी कम सो अर्ली। अगर कल सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकलना नहीं होता तो कॉफी के लिए जरूर इनवाइट करती। नहीं मैं फटाफट पी लूंगा, मैं पी लूंगा फटाफट। अगली बार। ओके ओके। ओके स्वीटी, बाय। फोन जरूर करना। गुड नाइट स्वीटी, बाय बाय। चला आरिशा, इधर बोला था ना धंधे के टाइम डिस्टर्ब नहीं करने का। सॉरी गुलबसन। चल बटन लगा। वो क्या है कि अपन के पास सेठ का मर्सिडीज है, तेरे को ड्राइव पे चलने का तो बोल। फिलिप पट्टू गद्दा गीला करना बंद कर रोमियो। अपने सेठ को फोन लगा ताबड़तोड़। वो फोन के थ्रू एंड थ्रू चाकू मार देगा मेरे को। अरे तेरी इतनी फटती है ना तो मुझे नंबर दे। लक बाय चांस अगर गाड़ी रिकवर हो गई तो तेरी जान बच जाएगी। तो समझती नहीं है गुलबदन, सेठ को गाड़ी नहीं मिला तो भी मारेगा, मिला तो भी मारेगा। तब तो एक ही रास्ता है, कल्टी मार मुंबई से। कोई फायदा नहीं है, जिधर भी छुपेगा फौजदार ढूंढ निकालेगा मेरे को। लाउड स्पीकर बंद, दिमाग पर जोर डाल, कोई तरीका निकाल जान बचाने का। एक रास्ता है, लगा तो तीर नहीं तो भेजा फ्राई। राधे राधे चल ग माझ्या अंगणात खेळू, सांग तुझ्या सख्या नाग अंगणात खेळू। राधे राधे चल ग। गुरु असली है। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया मोरया। फौजदार का ड्राइवर आया ही नहीं पैसे लेके ना। सर इधर कोई नहीं आया था, आपने बोला इधर से हिलना नहीं, मैं तो पेशाब करने के लिए भी नहीं हिला सर। जाप करा पेशाब। थर्ड क्लास बॉस। क्या बोला? मेरा गैरेज? मेरा मतलब है अपना गैराज। मैं तुझे 50 के पार्टनर बनाऊंगा ना, फुल 50%। 50%? अरे वाह, सारा रिस्क उठाऊं मैं, गाड़ी चुराऊं मैं, और 50% का मालिक बनेगा तू। हाँ क्या बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, देख परसेंट बिसेंट निकालेगा ना 80 में 20 तरह जमता है तो बोल। ले जा, उठा ले जा, नहीं चाहिए तेरा 20 टक्का। और वो मर्सिडीज भी लेके जा। हलकट साला। रुक्मिणी रुक्मिणी, क्या मुला और विश्वास टकला, वो अपने मुलगे जैसा ही निकला। आज ही तू मेरे लिए मर गया। काय को ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा बुड्ढे। अच्छा चल 50-50 क्या? ठीक है, वैसे भी 2-3 साल में जाएगा तो रुक्मिणी के पास। उसके बाद ऑल गराज माइन। तेरे मरने के बाद ही मरूंगा पहलवान, आई शपथ। बाल डाई करने से ना लाइफ नहीं बढ़ती है बुड्ढे। एक काम कर, वो बैग है ना अलमारी में रख, और 2-3 महीने के लिए भूल जा उसे। क्यों क्यों अलमारी में रख के 2-3 महीने के? क्यों क्यों? अरे क्यों क्यों क्यों? अरे ऐसे तो पकड़े जाते चोर। सारा माल हाथ में आया नहीं, खर्चा करना शुरू। पुलिस ट्रेस करती है, पकड़ लेती है। फिर तो मर्सिडीज भी नहीं बेच सकेंगे। अब पुलिस ट्रेस करके पहुंचेगी ना यहाँ। टी टों पहुंचे पुलिस। इशाराबाद बहुत पहुंची हुई चीज है, सारी सेटिंग है उसकी, समझा। अरे निकालना अपनी पिचकारी, कर दे गाड़ी को नीला पीला हरा, चल। अरे गुरु कितनी बार बोला है, अपने पास खाली सिल्वर कलर ही बचा है। एक बार टेस्ट ड्राइव करके पूरी तरह से तसल्ली कर ले, फिर पैसों की बात करते हैं भाईजान। ओके खुदा हाफिज़। हे गुरु, सारे लड़के डिलीवरी पे गए हैं, प्लीज तू ये पीस कस्टमर को दिखा ना, पास ही रहता है सायन में। नहीं, चिंदगी वाला काम अपने से नहीं होगा। अरे यार जाना प्लीज, जाना यार, फाइनल लास्ट टाइम। एड्रेस दे। फोन। अरे फोन। हेलो, सलाम वालेकुम शरबत भाई। गुरु है ना, देना देता हूँ। गणपत है, घोड़े पे सवाल लग रहा है। हाँ बोलो गुरु, पैसा कहाँ छुपाऊं, गैराज में कोई जगह ही नहीं है। क्यों, अलमारी से दुश्मनी कर ली क्या? चोर घुसा है तो सबसे पहले अलमारी में ही देखेंगे ना। हाँ, ताजमहल जो है तेरा गैराज, कभी बाहर से देखा? कोई मूतने भी नहीं जाएगा अंदर। अच्छा तू सो जा, लंबी तान सो जा, कटिंग कर रहा हूँ, ओवर एंड आउट। हेलो मेरा मोबाइल दे। तू एड्रेस दे। अरे तो मोबाइल तो दे पहले। तुझा गणपत गजानन जागीरदार, यू आर ए जीनियस। पैसा नहीं पहुंचा कर भाई गॉड, पता करता हूँ कोकी साला फिलिप फट्टू पैसे लेकर पहुंचा ही नहीं कल रात। क्या बात कर रहे हो जी, गाड़ी ठोक तो नहीं दी? हरामजादा पैसे गाड़ी लेकर भाग गया होगा, जरा पता कर कौन है। आयुष्मान भवा। महाराज जी प्रणाम। भक्त को कैसे याद किया महाराज जी? तुम्हारा स्वर कुछ मुरझाया हुआ लग रहा है पुत्र, कुछ खो गया क्या? कहीं तुम्हारा धन से भरा वाहन तो नहीं? आपको कैसे पता चला महाराज जी? चौक मत नादान, तुम्हारा वाहन चालक किस समय हमारे समक्ष उपस्थित है। कहता है कि कल रात कोई दुष्ट तुम्हारा वाहन उससे छीन के ले गया। ऐसा बोला महाराज जी? हाँ, ये उस समय हुआ जिस क्षण वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा महाराज जी, तड़पा तड़पा के मारूंगा जी मैं उसको। तुम कोई ऐसा अनुचित कार्य नहीं करोगे। परंतु महाराज जी मेरी बात सुनिए तो सही। कोई अंतु परंतु नहीं, वो अपने प्राणों की भीख मांगने के लिए हमारी शरण में आया है, उसे एक अवसर और दिया जाए। महाराज आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर उससे अब हम रखते हैं। शीघ्र तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे, तब तक के लिए ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। तुम्हें बिना यूनिफॉर्म के देखकर हमें अपने बचपन के मित्र नरोत्तम लाल की याद आ गई। गांव के तालाब में साथ साथ नहाने जाते थे निर्वस्त्र, आज हम तुम्हारे साथ नहाएंगे। वो क्या समझता है, महाराज जी के आंचल में जाकर छुप जाएगा तो माफ कर दूंगा, साले का एक भी बाल बांका किए बिना ऐसा दर्द दूंगा कि जिंदगी भर मलम लगाता फिरेगा। पता कर हरामजादे की महबूबा कौन है? उसका कजन जाने जिक्र कर रहा था जी, गुल बदन करके है कोई, गुरथा बढ़ा दे। वहाँ तो मिल जाएगी फौजदार बाबा, पहले पिस से और मर्सिडीज ढूंढ लेके। शहर का चप्पा चप्पा छान मार, कोई कसर मत छोड़ना, ताकत लगा देना अपनी पूरी। मर गया साला। शराबत भाई को बोलना कि सुलेमान को गाड़ी पसंद है। ओके तो मैं गाड़ी छोड़ के जाऊँ ना? मैंने सुना बड़ा बेस्ट फ्रेंड था आपका सिकंदर खान, फिर भी साले को ढूंढ दिया आपने। छोड़ के जाऊँ ना? गाड़ी चोरी की, उसमें सूटकेस नहीं था सेठ, कसम से सेठ। कोई पहले पैसे उड़ा लिया होगा सेठ, सोचो ना सेठ, पैसे अगर मिल गया होता तो कब का मैं मुंबई छोड़ के भाग गया होता। नहीं 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 नहीं, गैराज में, गणपत चाचा के गैराज में। सेठ नहीं, छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं सेठ, सेठ सेठ नहीं छोड़ो। एक नोट भी खर्चा नहीं किया सेठ, पूरा लाके देता हूँ। जाओ जी इसके साथ लवली जी, और पैसा मिलते ही मसल देना साले को, और इसके अंकल को भी, कीड़े हैं साले। अरे बाहर आ, अरे वो अंदर से कुंडी लगा दबाव बन रहा है, कसी सो रहा होगा ना, बाद में आते ना। चिपक ली जैसा चिपक गया सीट पे, खड़ा हो, चल निकल। धीरे यार, विदाल फास्ट हुई है, गराज है यार। अरे गेट तो खोल ला, निकले का चल। गणपत ए गणपत, अरे लोरी गा रहा है गणिया। बाहर के तक खुद पहले बताना था ना। गणपत जिंदा था, कुछ बोल दो यार गणपत। समझिए समझिए समझिए, कुछ करता हूँ मैं, कुछ करता हूँ मैं, लात नहीं मारने का। खून 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 है, रुई इधर बस। कंपाउंडर समझ रहे मन है, इससे क्या है? सूटकेस में, खून से सूटकेस में, कबर्ड में, कहाँ के बाद कबर्ड में, उसमें 1 करोड़ रुपए 3 टब्बर में धर दिए। तो डॉक्टर चाहिए यार। अरे नहीं है, अरे कबर्ड में थोड़ी ना डॉक्टर होता यार। इससे अरे पीछे सूटकेस में ना, नहीं है सूटकेस, यहाँ पड़ा है सूटकेस, खाली है। डर गया, मजाक कर रहे हैं लवली से, डर गया, मजाक फुटा। उस दिन डर गया था कि कहीं पीछे चोरी ना हो, इधर कहीं छुपा होगा। सांस अंदर सांस बाहर, कर रहे हैं यार, टाइम पास कर रहे हैं लवली से। सांस तो खत्म है कती। एक मिनट पहले बात सुन, सिर्फ बुड्ढे को मालूम है कि पीछे कहाँ छुपा है। अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो परी बन जाएगा, है ना, है ना, है ना, क्या है ना। उसके बाद घंटा सब लगा यार। अरे तो क्या कर रहा है, अस्पताल लेके चल, लेके चल, की कसम तुझे चाचा, मारे मत ना जाइयो भाई। चल उठा, चल चल। Well, which brings us to the conclusion that patient Mr. Ganpati is suffering from a temporary loss of memory. Dr. Zivago ji Hindi aati hai na? Yeah. Patient ka wo kya bolte hai? Lanta? No, yadashth. यादाश्त भूल गए। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो आप? हाँ मैं डॉक्टर है, लंदन से ट्रेनिंग लिए। याददाश्त आने की एक्टिंग भी तो कर सकता है वो अंकल। नो नो नो, देखो जब याददाश्त भूल जाते हैं तो एक्टिंग भी भूल जाते हैं। इसकी हिम्मत की। नो प्रॉब्लम, काली पेपर वेट था, टूट गए, अच्छा हुआ। लंदन से लाए थे मैं। या डॉक्टर जिवागो ये कहाँ से लाया? हाँ ये भी लंदन से लाया है, चाहे तो तोड़ सकते हैं। हाँ। और ये कहाँ से लाया? नो नो, दिस इज मेड इन इंडिया। या कुछ आया दिमाग में टिंग टोंग? अभी आया काही टिंग टोंग नहीं। हूँ कौन छू मने खबर न थी, मारी मम्मी कौन छे, मारा डैडी कौन छे। क्या कर रहा था? सॉरी सर, अपन तो इसका मेमोरी वापस लाने का ट्राई करता। अंकल जी कुछ याद आया आपको कि नहीं? कहाँ है वो कॉकरोच गुरुनाथ, कहाँ है वो कॉकरोच? भागने की फिराक में था जी। अरे नहीं नहीं सर, मैं तो टॉयलेट ढूंढ रहा था सर, मुझे गप्पस में सर। वो ट्रिगर मत होना सर, सर सर नहीं आवाज करेगा, बाहर सिक्योरिटी का आदमी सर। सेट सेट सेट, मैं आपको पैसे लाके देता हूँ ना, गैराज में कहीं तो है पैसे। गैराज में एक भी पैसा नहीं है जी, मैंने सब ऊपर नीचे करके देख लिया। आवाज नीचे कर। सेठ सेठ देखिए, अगर ऐसा हुआ ना सेठ तो मैं टाटा के बंगले में डाका डालेगा। हाँ, बिरला का बेटे को उठा लेगा सेठ। मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ सेठ। सेठ मैं किडनी बेच देगा। हाँ, ये कन्वर्ट करा लिवर बेच देगा सेठ। अच्छा सेठ देखिए सेठ, सेठ टाटा बिरला किडनी लिवर 1 करोड़ हो गया ना सेठ। सेठ ये पिस्तौल सब पाक कर दीजिए ना सेठ। सेठ सेठ फॉर यू बी सेठ, फॉर यू बी सेठ, डोंट किल सेठ। सेठ पकड़ो जी इसे। तू तो गया गुरु, इन गोटियों को पकड़ो जरा। पकड़ो जी पकड़ो। लूडो खेलेंगे सेठ। लूडो की नहीं है, उछालो इनको। यहाँ उछाल दूं? हाँ जी बताओ इनको कहाँ उछाल। अरे अरे उछाल, अरे उछाल, उछलता हूँ ना। सोंगटी सोंगटी 3 आले कहाँ रहते? ओके जी, तो गुरुनाथ जी तो आपके पास है 3 दिन। आज है गुरुवार, आज है थर्सडे, मतलब संडे की दोपहर तक अगर तूने मेरे लिए 1 करोड़ का इंतजाम नहीं किया तो मैं तेरे को और तेरे इस गुड़ी पाड़े वाले मामा को जहन्नम में पहुंचा दूंगा। ये बात तो दिमाग में डाल। ठीक है सेठ। और अगर तूने भागने की कोशिश की नहीं सेठ, तो एक भगोड़ी की खाल का तो मैंने जूता बनाया था। हाँ? और तेरी खाल का बनाऊंगा मैं लंगोट, और तू फिर मेरे शरीर के किस अंग से लटका रहेगा ये तो तेरे को पता चल ही जाएगा। लवली जी ऐसा करो जी, गणपत के डिस्चार्ज का इंतजाम करवाओ। हाँ। और सोनी को लगा दो इन दोनों के पीछे नजर रखने के। ठीक है जी। ओके बाबा। और गो कीजिए, आप टेंशन मत लो, आपका 1 करोड़ परसों तक पहुंच जाएगा। नासिक की एक पार्टी लुटाने वाली है। ये गोगी मरवाएगा, उठा नहीं गया। ये नेकलेस बहुत सूट करता है तुम्हारे ऊपर। कैसे ना हो, तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी है। अरे क्या बात है, इतना खोया खोया सा क्यों है? जॉन्डिस हो गया क्या? नहीं नहीं थोड़ी एसिडिटी है, बस ठीक हो जाएगी। गोगी चिल्ला कर रहा है। ओ यार कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारा। पैसे अरेंज हो गए? अरेंजमेंट हो गया। परसों आके ले जाना। परसों? हाँ परसों मतलब सैटरडे। ऑफिस चले आना। हाँ ठीक है, मैं प्रॉपर्टी के पेपर लेता हूँ। चल बाय बोल। अब बाय बाय। माइंड ब्लोइंग। गणपत नो बैड मैनर्स। ये ड्राइवर कहाँ चला गया बे? लो आपने कमिंग स्लोली स्लोली। सॉरी पापे, थोड़ा टाइम लग गया। टेंशन नॉट यार। सरदार जी तेरे गणपत के लिए भी अरदास किया मैंने बाबे से। ये ले थोड़ा प्रसाद, उसको भी खिला दे। ला ये खाने से मेमोरी आ जाएगी वापस। अरे बाबे की मेरा तो अच्छी अच्छी चीजें याद आ जाती हैं। पहले थोड़ा सा खा, आकर चलो जी गराज का रास्ता बताते रहो। गुरु थोड़ा मेरे को भी टेस्ट कराना। अबे मेमोरी इसकी गई है, जान मेरी खतरे में, तेरे को क्यों टेस्ट करो। अपना तो जी हर थर्सडे फिक्स है, इस गुरुद्वारे में आना ही आना है। मन्नत मांग रखी है ना बापे से। किस चीज़ की? यही कि मेरा खोया हुआ भाई मुझे वापस मिल जाए। मुक्तसर के मेले में बिछुड़ गया था, ये देखो 25 साल हो गए हैं। हाँ 25 साल? तो छोटे सरदार जी। एक बात बता। पूछो। अगर तेरा भाई सामने आ भी गया तो पहचानेगा कैसे? अरे हद हो गई, पहचानूंगा कैसे नहीं, दोनों ने सेम टू सेम लॉकेट जो पहन रखा है। वाह, अरे फिर तो डेफिनेट मिलेगा। हाँ कौन छू मने खबर ना थी, मारी मम्मी कौन छे, मारा डैडी कौन छे। कितने में बेचोगे? 30,000 मैडम। ठीक है। तेरी बीवी रुक्मणी यार, रुक्मणी को भूल गया तू। देखना तो रुक्मणी को भूल। इधर ये तेरा नालायक बेटा। हाँ भास्कर 10 साल पहले दुबई भाग गया था। ये देख देख देख, देखना इसको, देखना। तेरे को तो मैं पूरा फ्लैशबैक ही दिखाता हूँ। ये देख हनीमून पे क्या था ना, खड़क मसला। ये देख देख मुझे झूठ लाया। बहुत सिंपल है, एक मास्क पहनने का और एक पिचकारी वाला बंदूक लाने का, पानी नहीं डालने का उसमें, उसे हवा में जोर से घुमाने का और बोलने का बिंदास हैंड्स अप, बैंक का सेफ का चाबी इधर लेके आओ। ये जॉनी तू मेरा हेल्प क्यों नहीं करता बैंक लूटने में यार? नहीं रे बाबा मैं नहीं। तू तो एक्सपर्ट है ना यार। अरे नहीं गुरु, मैं एक बार ट्राई किया था, सब कुछ करेक्ट प्लानिंग था। हाँ। फिर लास्ट टाइम में सुसु आ गया। वो कैशियर ने तो मेरे को बैंक के बाथरूम में बंद कर दिया। कुछ क्या वो डेलनाज करके उसका नेम प्लेट में लिखा था, फिर सीधा जेल में। हाँ मैं भी वही करेगा। जॉनी क्या करेगा? मैं भी वही करेगा, पहले बैंक, फिर सुसु नहीं लगी तो भी सुसु, फिर डेलनाज। फिर बाथरूम, फिर जेल, फिर लाइफ। अरे यार तूने तो आइडिया देके मेरी जान बचा ली यार जॉनी। जेल में तो ना फौजदार तेरा और इजी से मर्डर करेगा, सब उसी का आदमी है उधर। अरे डायरेक्ट जेलर को सुपारी दे देगा तेरा। गुरु कैसे जान बचाना है वो मत सोच, कैसा पैसा लौटाना है वो सोच। सपनों में है वो रंग जो बचा सा है वो शोर जो थमा सा है यार। शालाला फिलिप, किधर था तू कल? 2 बार चक्कर मार कर गई पर तेरे दरवाजे पर हैरिसन। पूरी बाबा, ये सब क्या हुआ? ड्यूटी पर मिस्टेक मेरा से हुआ। पंसेट उसका सजा गुलबदन को दिया, उसका पूरा बॉडी ब्लैक एंड ब्लू कर दिया सेठ का सैंडो। मेरे को करेक्ट बुलाता सब लोग, फिलिप फट्टू करके। मैं साला है फट्टू, मेरे पास 4 आने का जिगर भी होता ना तो माँ कसम मैं उस फौजदार को उसी का मर्सिडीज के नीचे कुचल देता। टायर की औलाद, किसके साथ लगा हुआ है तू? मैं साला को, मेरी हड्डियों को तेरा बाप सेकेगा क्या? 1 मिनट प्लीज। कुत्तू मुशीन वो तो गांगा कर रहे बाबा। छोड़ना मोना, तू बता तू इधर कैसे? देख मैंने एक जबरदस्त सेटिंग की है, सब कुछ रेडी है, बस एक पार्टनर की जरूरत है कल। सॉरी मोना, मैं तेरा हेल्प नहीं कर सकता। मेरा जो बकरा है ना वो पूरे 2 करोड़ का अंडा देगा, सोच लेना यार। कामिंग, सोच तेरा लवर का हालत ऐसा होता तो तू क्या करती? अरे लेकिन इतना बड़ा काम बिना पार्टनर के नहीं हो सकता। तो जगन से बात करके देख ले। वो साला बेवड़ा मुद्दत माताल पूरा खेल बिगाड़ कर रख देगा। ठीक है, मैं दूसरा कुछ बंदोबस्त करती हूँ। She's a bad girl, she's gonna kill you dead, so dead। इसके खीसे में मेरा ये दिल रह गया शायद। ए, सुन, किसी को भागते हुए देखा क्या? उस साइड गया। चल आगे देखते हैं। गए साले। थैंक यू। क्या रे? अरे नहीं वो फिश फिश। क्या? फिश 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 फिश। तू अकेले? जगन कहाँ है? धक्का दे गया, टल्ली पड़ागी था बार में। कुकुर साला, क्या प्रॉब्लम है क्या? रुकना, अभी तुझे ही करना पड़ेगा उसका पार्ट। ना बाबा ना, बहुत डायलॉग है वो रोल में। धक्का क्यों मारती है? इधर आ। हाँ। क्यूटी से करवा ले। ये है कौन? अपने बिरादरी का है। हाँ? थैंक यू बोल रहा था। हाँ? देख मैं तेरे काम आई। हाँ? तू मेरे काम आ, हिसाब बराबर चलेगी। चलो जुलाब लग गया क्या? जल्दी आजा मेरी जान। अच्छा मेरी जान, ठुमका लगा के आ जाओ। लटका दिखा दिया तुमने, झटका लगा दिया हमने। क्या छुपा? अच्छा कच्चा, वो भी धारीदार चट्टे पट्टे वाला है। लगी 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 लगी। अगली बार ना नारे वाला पहनना है। कांस्टेबल है, हथकड़ी हथकड़ी हथकड़ी। देखो मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, बाल बच्चेदार आदमी हूँ। तो टके की छिनाल के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है और कहता है कि मैं इज्जतदार आदमी हूँ। गलती हो गई साहब, माफ कर दो, माफ कर दो। माफी तो मिलने सकती, माफी तो मिलने सकती भाई। मैं तो फ्री में थोड़ी मांग रहा हूँ। तो टके के विषय को गाड़ी में बिठाना। मैं इस इज्जतदार आदमी को माफ करके आता हूँ। और निकाल, ये भी ले लो और निकाल। कहाँ गया? साफ है, साफ है, रख लो। साफ साफ। ये ले कांस्टेबल फिलिप, तेरा हिस्सा। अच्छा काम किया तूने यार। वेलकम। और ये तेरा, ये क्या है? तेरा हिस्सा। और ये कम से कम 1 लाख का माल है और तुम मुझे ये 3000 पकड़ा दी है। अब 3 लोग हैं ना, 1/3 तो मेरा बनता है, सीधी सी बात है। तो तू नहीं लेगा? नहीं नहीं, सब वाली नहीं उठता। तो भी बोल मोना, रोल बहुत जान लगा के किया। अरे उसको अपन का टीम में ले लेने का था। अरे नहीं यार, कौन उससे हर बार हिस्से को लेके झिकझिक करता? बोल तो क्यूट होगा अपने घर पे। कहाँ जाओगी अब पार्टनर ढूंढने? फिलिप तो रेडी नहीं है, जगन पे भरोसा नहीं कर सकती हो। और मुहूर्त है कल। एक काम करते हैं, मैं ही बन जाता हूँ तुम्हारा पार्टनर। वो लूट की रकम कितनी बताई थी तुमने? 2 करोड़ ना? आधा बांट ले, मतलब फॉर अ चेंज। 1 तेरा 1 मेरा। इतने दिनों बाद मिले हो, पुराने साथी हो, गले मिलने की बजाय गले पड़ने की बात कर रहे हो। आदत डाल ली मेरी, समझ ले मैं वो चिंगा हूं जो तेरे सैंडल से चिपक गया। बड़ा फुदक रहा है तू। गरज मेरी है इसलिए चिपकने दे रही हूं, वरना कितने आए और कितने गए। बाकी रही हिस्से की बात, वो बाद में देख लेंगे। सखी, हिस्से का तो ऐसा है, आधा हर हाल में लूंगा, पूरे 1 करोड़। बीच में आई ना सखी तो बीच से चीर दूंगा। चल। अरे यार, तू समझता क्यों नहीं है? बिना कपड़ों के सोने की आदत है मुझे। खोली जाने दे, भाग थोड़ी जाऊंगी। सॉरी मैडम, वो रिस्क नहीं ले सकता मैं। ठीक है, तो तू ही चल मेरे साथ मेरी खोली पे। आंखें बंद रखना बस। वेट मत डाल मच्छी पे। साला वेट मत डाल, वेट मत डाल। स्लो मोशन, डिनर टाइम हो गया, चल। साइड बिजनेस लगता है तेरा। हाँ, कितने बेचता है एक जोड़ी? अरे बाबा, अरे बाबा, क्या मन ताकत से ऐसे घूर रहा है कि जैसे अभी रेप कर देगा। सोने का क्या लेगी? हाँ चल, लाइट बंद कर। और हाँ, सो मत जाना पार्टनर, पता चला कि मैं फुर हो गई। बस आंखें सेक ले गबरू, हाथ लगाया तो जूतों मारबो शाला। बस भी करो, और कितने डब्बे ठूसोगे? I cannot touch it. I cannot eat. What should I do then? हाँ गोगी बोल। तो पैसे कब लेके जाएगा? क्या? पैसे का इंतजाम हो गया? माइंड ब्लोइंग। अच्छा सुन, ऑफिस आजा। आ जाओ। हाँ अभी आजा। अभी? क्यों बिजी है? अच्छा ठीक है। ओके बाय। ओके बाय बाय बाय। सॉरी स्वीटी, मुझे जाना पड़ेगा। वो क्या है कि एक चीज है जो कहीं से उठाकर कहीं और पहुँचानी है। बेबी, जो चीज उठानी है वो उठा लो, लेकिन उसे और कहीं पहुँचाने से पहले अपने फ्लैट आ जाना। मैं भी वही पहुँचती हूँ ना, फिर दोनों मिलके कॉफी पियेंगे। फटाफट फटाफट। तुम कहो तो सीधे मेरे फ्लैट पर चलते, पहले जो चीज उठानी है पहुंचाने, बाद में हो जाएगा। बाद में। पिक्चर तो पूरी देखने दो, तब तक तुम्हारा पॉपकॉर्न भी लगे में जाएगा। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। वेरी गुड। प्रॉपर्टी के पेपर्स तो एकदम करेक्ट है यार। कांग्रेचुलेशन सर, हमने स्टूडियो का इनॉग्रेशन ऐश्वर्या राय सर। प्लीज यार, ये 25 भी ना पूरा एक बोरी भर के पॉपकॉर्न खाया, वो भी आफ्टर फुल ब्रेकफास्ट। फिर भी मैं अच्छा उसको छोड़ यार। तू एक काम कर, तू पनवेल चला जा म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर में, और वहाँ रजिस्ट्रेशन की तारीख पक्की कर दे, और फिर साइट पे जा और एक बोर्ड लगवा दे, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गोगी कोकरेजा एंड प्रोसिक्यूटर विल बी ट्रेसपास्ड। उल्टा सर, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड सर। यार वही तो बोला मैंने यार। चल तू जा, पनवेल जा। नहीं सर, नहीं सर, वो ससैया आने वाला हैदराबाद से है। ससैया ये क्या होता है? होता नहीं ससैया सर, सिकंदर खान का डुप्लीकेट। आपका फिल्म का पैचवर्क के लिए बुलाया उसको। अच्छा, मैं उसे संभाल लूंगा, तू चलना। ओके सर। अच्छा सर, ससैया डायरेक्ट स्टेशन से इधर ऑफिस आएगा, उसको बोला ना कि मैं खुद सवेरा होटल में उसका कमरा बुक किया सर। सर ऐश्वर्या राय विदाउट अभिषेक सर। मैं करता हूँ तुझे प्रॉमिस। अरे तू जा यार। अभिषेक सर प्लीज। ओके। आखिर सावन भाव नहीं देती। ऐश्वर्या राय सर। एग्जॉस्ट चला दिया बाथरूम का। यार गोगी, यार सुना था मकई पेट के लिए अच्छी होती, इधर तो अब यार हर चीज की एक लिमिट होती है। शिट। वैसे तेरी तबीयत पहले से तो ठीक है ना भाई? सो को छोड़, तेरे को 1000 के दिखाता हूँ। खुलजा सिम, ये देख पूरे 2 करोड़। फैक्ट्री लगा ले पॉपकॉर्न की। अब तबीयत बेटर हुई? अरे यार, कहाँ रह गया तेरा आशिक? इसी बिल्डिंग में रहता ना पक्का? हाँ रे, गई उसके फ्लैट में मैं। ये शिकार लोग के साथ मतलब सुना भी पड़ता है क्या? फौजदार साहब, आपका 2 करोड़ अरेंज कर दिया है। वाह जी वाह, इम्प्रेस कर दिया जी आपने तो। एवरीथिंग बिफोर टाइम। वाह जी वाह, थैंक यू साहब। अच्छा वो शाम को आऊंगा तो चलेगा ना? गैलेक्सी बिल्डिंग वालों, दिस इज एन इमरजेंसी। हमें जानकारी मिली है कि आतंकवादी लोगों ने इस बिल्डिंग में बॉम्ब फिट किया है। ये झूठी खबर भी हो सकती है, लेकिन हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि अपना अपना फ्लैट खाली करके नीचे कंपाउंड में आ जाइए। आराम से आ जाइए, आ जाइए। है तो होशियार, बिल्डिंग में बम हो सकता है। जगह छोड़, चलो चलो इधर से हटो, गाड़ी आने का रास्ता दो। भाइयों और बहनों, ब्रांड मुंबई बॉम्ब स्क्वाड पहुंच चुका है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हेलो सर। हेलो, माई सेल्फ दुबे। हाँ, ये डिपार्टमेंट ने छोटा गाड़ी कब से लिया सर? नया डेवलपमेंट है, बड़ा गाड़ी हमेशा बॉम्ब फटने के बाद पहुंचता था ना, ट्रैफिक जाम की वजह से छोटा गाड़ी लिया। कैप्टन चलो तुम्हारा। यस कैप्टन कादू मकरानी, फॉलो मी। ओके, ये बॉम्ब स्क्वाड में लेडीज श्रीलंका की होगी सर, पक्का। कॉस्ट्यूम बड़ा टाइट है, तेरा साइज है क्या? तो तू ही क्या नाली लानी जाए। इंस्पेक्टर साहब, कुछ आइडिया है कौन से फ्लैट में है ये मिस्टर? क्या है ये? क्या है ये? कल जाके किसी झाड़ के पीछे छुप जा, अभी अरेस्ट कर लूंगा। ए चुप, बेडरूम में नहीं है सुसु किसी। अरे यहाँ पे भी नहीं है, तो एक काम कर, तू किचन में जा, मैं बाथरूम जाती हूँ। सुसु करने का टाइम नहीं है अभी, सुन। अबे मैं सूटकेस देखते जा रही हूँ, ढेंचो। पर बाथरूम में कौन सूटकेस रखेगा यार? और कॉस्ट्यूम मेरे साइज का क्यों नहीं है? ओ तेरी, ये 25 से सारा तत्तिंग आदमी निकला यार। खोल खोल खोल। कैप्टन तिलोत्तमा सब ठीक? तिलोत्तमा जी, बॉम्ब मिल गया क्या? हाँ, बॉम्ब मिल गया है। डिफ्यूज कर रहे हैं हम लोग। जोर से बोलना। एक बात बोलूं मोना, ये कॉस्ट्यूम है ना वाकई में टाइट है। अरे यार तो डालना। वेल डन कैप्टन तिलोत्तमा। लाइट बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है। बहुत ही एडवांस बॉम्ब है, ऑफिस में ले जाके डिफ्यूज करना पड़ेगा। ब्रांड मुंबई बॉम्ब स्क्वाड आप सबके सहयोग के लिए आभारी है, धन्यवाद। जय हिंद। बोला था ना झाड़ी के पीछे छुपता चल गए। भाई बॉम्ब है, क्या कर रहे हो कैप्टन तिलोत्तमा? No problem, bye bye. Sangar city hai. एकदम डिट्टो, कमाल है, रब बिना कमाल है। तू कहीं जुड़वा तो नहीं है? अरे नहीं पाशा, बिल्कुल इस नहीं। अरे उन्हों का मई का फैमिली कनेक्शन नहीं चुनी। ये देखो पाशा, मेरी पिक्चर आई। आप बोले तो मैं नाचता हूँ भी, गाता हूँ भी, आपको टैलेंट दिखाता हूँ ना। आप जरा हुक्म करो तो सही। देख भाई, तू लोड मत ले, एक आधा गाना है, 2-4 फाइट सीक्वेंस है, हम काम चला लेंगे। शेषनाग तू ऑन है भाई। हाउ पाशा, शेषनाग काय को बुला रहे हैं मेरे को? शेषैया बुलाओ जी। हाँ, ठीक है ठीक है। देख सवेरा होटल के अंदर तेरा रूम बुक है, रिसेप्शन से एड्रेस ले ले, और ये मेरा कार्ड रख अपने पास। बम्बई में कहीं गुम गुमा गया ना तो कम से कम फोन तो कर सकेगा। क्या पाशा, आप बहुत ही अच्छे हैं, क्या ख्याल रखते हैं मेरा। वहाँ हैदराबाद में रहीम रुमाली ऐसा ही ख्याल रखते हैं मेरा। क्या आखिरी खाना बनाते अपने ढाबे में, खा कर बा 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 पेट गिर जाता है। मेरे को भी सिखाया, आपको भी पका के खिलाता हूँ। शेषनाग शेषनाग, बस बस बस, आप निकल लो तुम, चलो। यू आर वेलकम। काम तो तूने मस्त किया। बख्शिश तो देवाई उचित तो के। समझ ले मैं वो च्युइंगम हूँ जो तेरे सैंडल से चिपक गया है। क्या स्लो मोशन फिर से बना गए ना पोपट। क्यों झांसे की रानी हेवी लेने आई क्या? ले जा ले जा, इस रकम से कुछ नहीं बनने वाला मेरा। बटोर ले और फूट ले यहाँ से, शक्ल मत दिखाना दोबारा। एक करोड़ से मुसीबत टल जाएगी, थोड़ा कम से नहीं चलेगा? खोल, खोल, खोल कभी नहीं। नहीं खोलूंगी। अच्छा ठीक है खोलती हूँ, लेकिन पहले ये बता तुझे इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? रुपए कहाँ है? बहन बनी कौन यार? रुपए कहाँ है? अरे वही तो, कहाँ है रुपए? तो मैं पूछा यार, मैं खुद अपने हाथों से बना था, कहाँ है रुपए? अरे वही तो, सारा टाइम बैग मेरे पास ही था, तो पूछने को खुदा उड़े चले गए। समझने वाली भाषा मत करना यार। क्या? बहुत करीमा की। ये पैसों का ये कैसे हो गया ये चप्पल? हाँ, पैसों का प्रेस कैसे हो गया? पैसों का ये डम्बल कहाँ से हो गया यार? रुपए का संतरा कहाँ से हो गया पता मेरे को? 10 रुपए काड़ा। ठीक है, थैंक यू। आदत डाल ले मेरी, समझ ले मैं वो च्युइंगम हूँ जो तेरे सैंडल से चिपक गया। सिटी बस में, पब्लिक बस में तुमने 2 करोड़ का बैग नीचे रख दिया यार। अरे उसके बाद उठा भी तो लिया ना मैंने। किसका बैग उठाया तुमने? कौन था वो? अरे मुझे क्या पता कौन था, मेरा ध्यान तो बैग पे था ना। तेरा ध्यान बैग पे था? तेरा ध्यान बैग पे था? तेरे गया किधर वो बैग? आज बता ये तो नहीं। लास्ट स्टॉप। 10 रुपए काड़ा। ठीक है, थैंक यू। सवेरा होटल का स्टॉप। थैंक यू बाय। चलो यारो। हे चला। गुड आफ्टरनून मैडम। गोल्डी, पापा डेट टुमारो। तू एक काम करेगी बंगालन, तू है ना मेरी जान ले ले, खत्म कर दे यार किस्सा। कम से कम ये फौजदार के हाथ तो तड़प तड़प के मरना तो नहीं पड़ेगा ना। चुप चुप करबे तखन दीवार तक काज करबे। चुप करबे। यार मेरी जान की पड़ी है, तू सिकंदर खान को देख रही है? अरे ये सिकंदर खान नहीं है, ये उसका डुप्लीकेट है। ये देख शेषैया शेषैया शेषैया। मैं क्या करूं, चल डालूं उसका। क्या इधर क्या किधर है? ये ट्रेन का टिकट है, ये हैदराबाद मुंबई मेल 35। ये कल का टिकट मतलब आज पहुंचा होगा ना। गोगी आर्ट्स इंटरनेशनल, गोगी कुकरेजा प्रोड्यूसर। इसका मतलब डुप्लीकेट शेषैया को किसी प्रोड्यूसर से ये कार्ड मिला है। हाँ तो ये गोगी डुप्लीकेट। हाँ। ये बैग किसका है? ये बैग शेषैया का ही है ना यार। तो शेषैया कहाँ मिलेगा यार? अरे इसमें गोगी का नंबर है ना, इसको फोन करके पूछ लेते ना, काय के लिए काय काय तू कर रहा है बोल। चलो यारो अब हो गया बहुत। आपको हमारी स्पेशल थाली कैसी लगी? आपकी तरह बड़ी अच्छी थी, बस हल्दी बहुत ज्यादा थी। हा? अब तक बदबू आ रही है। ये आपके रूम की चाबी आपका बैग रूम में पहुंचा दिया। और हाँ, गोगी आर्ट्स इंटरनेशनल से फोन आया था कि आपने चेक इन किया कि नहीं, ना? और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी कजिन सिस्टर को होटल सवेरा का एड्रेस दे दिया। हाँ, अच्छा। क्या बोले? कजिन सिस्टर इन्हें कहाँ से पैदा हो गई? मेरी तो बहन है ही नहीं, मुंबई तो क्या हैदराबाद में भी नहीं। इसकी बहन की किरकिरी, इसकी माँ की किरकिरी। क्या तुम ये बैंगन मेरे दीदी सही तो है? हैदराबाद से थैले में कपड़े लेके निकला था, यहाँ नोटा नजर आ रही। आय हाय मियाँ, ये तो सचमुच के नोटा आई। अरे मेरी तो निकाल पड़ी। अभी मैं खुद ही पिक्चर बनाता हूँ, खुद ही हीरो बनता हूँ, बाकी बचे पैसों से चार मीनार खरीदता हूँ। ना बेबी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। फोन पे जो आपकी कजिन सिस्टर होने का नाटक कर रही थी, उसे पता चल गया है कि आप कहाँ छिपे हुए हैं, और वो बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाली है। अब पता चला ये कजन बहन का मामला क्या तो बीच है। अब क्या करूँ, भाग जाओ नीकू। जल्दी करो यारो, गाड़ी बढ़ाओ। वो जाना कहाँ है जी? होटल होटल। ये है ना होटल? अरे हाउल है, दूसरा होटल। क्यों जी सवेरा में क्या खराबी है? आपके रूम से कोई साफ छाप निकला है? ये ले सौ की पत्ती, नीचे मिर्ची लगी है। माँ की किरकिरी, गाड़ी बढ़ा, जल्दी जल्दी बढ़ा। आपको कहीं देखा है? कहाँ देखा है? याद नहीं आ रहा। कहा किसको याद? क्या था यहाँ पे? और लाई क्यों सका सब तंबू यहाँ पे? अरे लौटाने के लिए और क्या उसका है। अरे तू तो लौटा देगी, वो वापस करेगा अपना बैग। अबे खंचक कर, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने अभी तक बैग खोला ही ना हो। उसने अपना बैग खोला ही। तू मोना सिटी बस में तूने बैग नीचे रखा क्यों? ऑटो करना चाहिए था ना। पागल कर दिला माँ के। लो जी डुप्लीकेट भरा जी, ये आ गया आपका लाला लॉज। ये इसकी माँ की किरकिरी, ये लॉज है क्या कब्रिस्तान? अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कहीं और चलते हैं। नको, अभी के वास्ते मई काम चला लेगा। चलो यारो। रंडी खाना साला एकदम ठटका। अरे किधर फंस गया मैं? एक घड़ेरा। अरे आई तेरा लॉज एकदम थर्ड क्लास है। छी, एजेंट को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी कहीं जाना है? पापा जी बोलो जी, आजू बाजू कोई डिसेंट होटल में ले चलो ना। कब? 20 मिनट पहले। कोई आइडिया है किधर गया? हाँ मोहतरमा। मोहतरमा? हाँ जाते जाते बोला मैं जाता है मोहतरमा। सब तेरा मिस्टेक है। बस में बैग तूने रखा ही क्यों? बैग वाला मेरा ससुर था ना, इसलिए। आ जाती ना बस में सेफ्टी बन के। कमाल हो गई यार, आज सारे के सारे काले हरे बैग वाले सवेरा होटल से चेकआउट करने में लगे हुए हैं। सारे के सारे मतलब कितने? नहीं ज्यादा तो नहीं, एक वो। अरे तुसी, अरे कौन वो? कहीं वो सिकंदर खान का डुप्लीकेट। उसको बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। उसके पास एक बैग भी था, वो आपके बैग का डुप्लीकेट। किस तरफ गया हो? बंदा उसको लाला लाज में छोड़ के आया। लेकिन चल वहाँ पे पीछे की सीट में बैठ। शेषैया तू खिसक ले, हाउली पड़ यार। नहीं खिड़की चेक कर, खिड़की पिंडे की मेरी। इधर आ। नको तू वापस आता कि नहीं? तो मैं भी बोला ना नको। ऐसे खड़ा होकर बुलाएगा तो उसको नीचे जाके पकड़। अरे नहीं बहुत ऊपर है। नहीं तो धक्का मारूंगी अभी। धक्का मारेगी? मैं तेरे को कराटे चॉप मारूंगा। आलू चॉप मारेगा। अरे बचाओ, अरे बचाओ। पैन दी पंजीरी मैनू सब याद आ गया। गन्ने दे खेत कर बटेर और सत अजूबे इस दुनिया विच आठ भी अपनी जोड़ी और तोड़न ते भी टुटे ना ए हर नाम गुरनाम दी जोड़ी। ओए होए होए क्या ठेला गाड़ी चला रहा है क्या? जरा फास्ट है, मर्सिडीज नहीं है। हाँ तो ठीक है, थोड़ा जल्दी चला ना। ओए रुक रुक रुक, रुको रुको। अरे कुछ मिला? अरे कुछ तो बोल एड़े। अरे इधर कोई बैग नहीं है, सिर्फ बदबू है। अरे ठीक तरह से ढूंढना, वहीं पे कहीं पर होगा। बखर बखर करता रहता है। खुदा के देखना। मेम साहब है क्या तू? एक मिनट। क्या बोला था तुम्हारा बैग कहाँ पे गिरा था? हाँ वो लाला लॉज वर्सोवा। हाँ क्यों? अरे आप लोग गलत ट्रक में ढूंढ रहा है, ये तो 7 बंगले का कचरा उठाता है। अरे हो ही नहीं सकता, हम लोगों ने देखा यही ट्रक था यार। अरे देखने में सब ट्रक एक ही जैसा दिखता है। ठीक है सुनो, इतना बताओ कि वो वर्सोवा वाला ट्रक कहाँ मिलेगा? देवनार का कचरा मैदान में। कबार अच्छा नहीं है सर, आपका पनवेल वाला आधा लैंड पर कब्जा हो गया सर। क्या बात कर रहा है? हाँ वाजुका आश्रम का मैंने महाराज बहुत बड़ा मंदिर का काम शुरू किया इधर सर। टेम्पररी पंडाल में मूर्ति बिठा के आरती भी चालू सर। लिंगम सर, ये जमीन मेरी है लीगली। आरती बंद करवा अभी, इसी वक्त तंबू खुलवा। इम्पॉसिबल सर। क्यों बे, तू भी इस महाराज का भक्त है क्या? नहीं मैं नहीं सर, फौजदार सर। तेरे AK-47 कल्टी। रुकना, डरो मत, यहाँ कचरे में ऐसा बहुत कुछ उगता है। क्या ढूंढ रहे हो? क्या बोलेगा? सुई ढूंढ रहे हैं भाई, भूसे के ढेर में। ढेर तो भाई यहाँ एक नहीं अनेक है। हाँ बॉस, इनमें से वर्सोवा वाला कौन सा है, कुछ आइडिया है? नहीं ना? क्या 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 पूछ रही तू? एक जमाने में तो मुँह जुबानी याद थे। कोशिश करके देखता हूँ। वो रहा गोरेगांव ईस्ट वाला टीला। 2 कदम पर है गोरेगांव वेस्ट का कचरा और उधर जोगेश्वरी का पहाड़ होगा। करेक्ट। और वहाँ अमूली की चोटी। बिल्कुल ठीक। और उसके साथ वाला जो ढेर दिख रहा है ना बिजली के खंबे के पास, वही है वर्सोवा का कचरा। चल आगे बढ़ो, चढ़ जाओ शिखर पर, मार दो अपना झंडा, बसा लो अपनी दुनिया जैसे मैंने बसाई है यहाँ। जो कचरा में से निकला ना वो 10,11,000 है और गुरु की खोली में 5 लाख के आसपास। पर देने का तो 1 करोड़ है ना वापस। जॉनी, ये 15 लाख उनको देके थोड़ा और टाइम नहीं मांग सकते? नो। अरे बाबा, गुरु क्या कर रहा है? स्टॉप इट! कुबल गणेश, क्या कर रहा है? चल। गणपत तू ठीक है ना? क्या दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या कर रहा है? उसका मेमोरी का लॉक खोल रहा हूँ यार। कल तक अगर याद नहीं करो उसको अपनी डंडी डुल हो जाएगी। हमारी मम्मी कौन है? हमारा डैडी कौन है? ओहो ओसी ओसी महाराज जी, इनका कैश लूट गया जी। ओसी कैश लूट गया तो मैं क्या करूं? पैसा मिलते हमारे पास आना चाहिए था ना। ये गुसल खाने में बैग रख के नंग धड़ंग नीचे जाने को हमने कहा था क्या? और फिलिप फट्टू जी, क्या हाल है जी आपकी सहेली के जख्मों के? मलम वलम लगाया कि नहीं उनके अंगों पे? हाँ, एक गलती होगी जी हमसे। लवली जी, एक गलती हो गई। उसकी पिटाई का हमको एक वीडियो बना लेना चाहिए था। दोपहर का शो देखते जी 3 से 6 का, है कि नहीं क्यों जी? पीएस शेयर के साथ। अगले पट्टू अगली बार गलती करेगा ना जी तो जरूर उतार दूंगा इसके फिल्म से। नहीं जी, कैसी बातें कर रहे हो? इनको हाथ कैसे लगा सकते हैं जी? फिल्म तो इनकी सहेली की बनेगी जी, हर बार बनेगी ना। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? ज्यादा कर मर्सिडीज साफ कर। और बात आपकी आ गई गोगी जी। हाँ जी। देखो जी, मानते हैं जी जमीन तो आपकी है, पर मंदिर तो हमारे महाराज जी का है ना। एक भी ईंट हिलाई तो बाय गॉड सांसों में चूना भर दूंगा। पर पाजी वो परवर कुछ नहीं जी। ये मंदिर को हाथ लगाने की बात आपने सोची कैसे? सॉरी पाजी। चलो अच्छा है तो महाराज जी कल यहाँ आ रहे हैं, उनके पाँव पे पड़ के माफी शाफी मांग लेना। पाजी मैं माफी भी मांग लूंगा और आप कहेंगे तो उनके पूरे आश्रम को एसी करवा दूंगा और जल्द से जल्द आपके पूरे 50 लाख वापस कर दूंगा। 50 लाख नहीं जी, नहीं 1 करोड़ रुपया है। नहीं पाजी आप समझे नहीं, वो आधी जमीन पे तो मंदिर बन गया ना, तो 1 करोड़ का आधा 50। एक बात तो मान लो जी, आप गांठ बांध लिए। पैसे तो जितने मैंने दिए हैं उतने ही वापस लूंगा, बाय गॉड समझे। और जी 25 सियासी देखो, इनके पास तो फिर भी बहुत वक्त है, लेकिन आपके पास तो सिर्फ 3 दिन बाकी है। भाई साहब 3 दिन में आपने मेरे पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना चंदन का हार आपकी फोटो पे लगा के टांग दूंगा, बाय गॉड। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, बहुत मिस करूंगा यार। लिपट्टू अभी से खाली फिलिप बुलाने का, समझा? चुप हो जा। अरे वो अंकल अभी रोना बंद करेगा तो आप दोनों से एक इम्पोर्टेंट बात करने का। पूरे के पूरे 15 लाख एक साथ, वो भी एक ही नंबर पे। हाँ, तेरा नंबर पे 13 आर्या 5, समझा इसे मोना। अरे हटो यार, हटो ना, हटो। आओ भैया आओ। अरे हटो यार। यार वो कैसा है, ये मेरे दोस्त है, इनको मुझे खेलना। चलो आओ, आ जाओ। कुछ नहीं मौसी, जमीन डगमग हुआ। अरे मैं पूछा अंदर। अंदर? वो शराफत की पार्टी थी ना, 1 करोड़ रुपया जीत गई। लगा दूं? लगा दे शराफत भाई, लगा दूं? बिल्कुल लगा दे। एक और दाव लगाते ना शराफत। एकदम नॉय चुप, ओती लोभे ताती नोष्टो, किस्मत से पंगा लेने का सोचना भी मत। लेकिन व्हाट अबाउट तेरा हिस्सा यार? व्हाट अबाउट तेरा हिस्सा यार? मोरे जक्षा में हिस्सा को तो चिंता करते करते वही तो सिर्फ 1 करोड़ तो जीते हैं यार। अरे चल ना यार, तू पहले फौजदार का उधार तो चुका, मेरा क्या है, मैं बाद में वसूल लूंगी। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, नया ऑपरेशन, नया 25 या माल सारा मेरा, और तेरा हिस्सा लबडंका। यार शराफत भाई भालो भाषी यार, भालो भाषी। चल शेट्टी गाड़ी में बैठ, रास्ते में तुझे नूरे के यहाँ छोड़ता हूँ, बिरयानी मंगाई ऊपर। ठीक है सर। आपको खाता देखता हूँ तो आत्मा संतुष्ट हो जाती है महाराज जी। आपके फेवरेट रसोई ने बनाया ये है चिकन लॉलीपॉप, ये है वो आपके पैसे लाया। आओ जी महाराज जी को प्रणाम करो। हाँ पूरे हैं? हाँ जी हाँ है, ये पूरे हैं ना। वेरी गुड महाराज जी, ये रही आपकी फेवरेट डिश, इसको कहते हैं पॉम्फ्रेट फिश। अच्छा तो मैं चलता हूँ सेठ। अरे ऐसे कैसे जाएंगे आप, कुछ ठंडा पीकर जाओ, कुछ कोल्ड ड्रिंक, कुछ कोल्ड कॉफी। नहीं मैं कुछ नहीं पीऊंगा। पीना तो पड़ेगा ना जी। आप ऐसा करो, आप कोल्ड सोडा पीकर जाओ। हाँ सोडा चलेगा। मैं तो आपसे पैसे वापस आने की उम्मीद जो है वो भूल चुका हूँ। मैंने तो लवली को भी भेज दिया आपके गराज में जी। मैंने कहा भी देखो पैसे मिल जाए तो अच्छी बात है, पैसे ना मिले तो दोनों के साथ ले आना वापस काट के प्लेट पर। अब आपके गणपत अंकल का क्या होगा इसका मुझे पता नहीं। सेठ जी आप लवली को फोन करके बुलाइए ना, पैसे तो आ गए ना आपके। अरे तो भाई साहब करो, आप करो, देख नहीं रहे मैं थोड़ा बिजी हूँ। महाराज जी इसको कहते हैं फिश के पकौड़े। लो सेठ लवली का नंबर। हाँ लवली का नंबर है जी महाराज, दे दूं लवली का नंबर? अगर पुण्य कमाना चाहते तो दे दो। हाँ ठीक है, तो लवली का नंबर लिखो जी। ना लिखो नहीं जी, मैं करता हूँ उसको, 1 मिनट। महाराज को खाना पसरा है जी, भाई गॉड मछली बड़ी स्वादिष्ट है, खाओगे? नहीं मैं मछली नहीं, आप खा लो। महाराज निवेदन कर रहे, खानी तो पड़ेगी ना भाई। मैं मछली नहीं खाता सेठ। तो प्रसाद समझ के खा लो भैया। तो प्रसाद के लिए टमाटर है ना, खा लूंगा ना। नहीं खानी तो फिश ही पड़ेगी, नहीं तो ये रहा आपका फोन। ऐसे कैसे सेठ, मैं तो फिश खाता ही नहीं हूँ सेठ। क्यों व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हो, मैं फिश नहीं खाता। इसे खाओ, अंकल के प्राण बचाओ, अंकल के। महाराज फोन करता हूँ सेठ। हाँ फोन लगाता हूँ, इसको मजा आ रहा है। आप इसको 1 टुकड़ा फिश का और खिलाओ। देखो पुत्र, मछली तो जल की रानी है और इसका जीवन पानी है। महाराज जी चाहते हैं कि आप अपने घुटनों के बल बैठकर अपने मुंह से जमीन पर पड़ी हुई मछली खाओ। नहीं महाराज जी, मुझे लगता है कि चरनामत के बगैर इसकी मछली अंदर नहीं। दो जी चरनामत। महाराज जी को छोड़, लवली को फोन लो। लगाता हूँ, शांत रहे, रिलैक्स कर, कांच बहुत तीखा है, महाराज जी के पेट में मत घुसा देना। हेलो मैं बोल रहा हूँ। क्या हो गया जी? अरे सवाल मत कर, वापस आ जाओ उल्टे पाँव, इमरजेंसी है। जो घूम पहुँच रहा हूँ तो होगी बात, अब तो छोड़ दो महाराज जी को। डरो मत महाराज जी। उचित किया बस। महाराज जी आप ठीक तो है ना? हाँ जी लवली जी, प्लान चेंज हो गया जी। लगाओ यूटर्न और बिछा दो गणपत की लाश गराज में। कंफ्यूज कर रहे हो जी आप भी, कभी कह रहे हो आ, कभी कह रहे हो जा। लवली जी लवली से कह के इसके अंकल के इसके मुंह में। लवली जी फोन बंद करो, गराज जाओ, कर दो गणपत का दी एंड। तू क्या कर रही है? झक मार रही हूँ। तू जाना, तू जाना यहाँ पे यार। तू गुरु को थका रखता के बोले के ताकत है। पीछे हटो ब्लडी फूल जी। जा मोर। ए बुलबुल अंदर आजा। टकला मके मार पे और खड़ी हो जा शेरू की बगल में। महाराज जी दर्द हो रहा है, लंबी लंबी सांसें लो, अंडकोश को फायदा करेंगी जी। इस बहन के सीने की कोटियां बिखेर दे अभी इसी टाइम। अभी लो जी, अभी लो। हाँ जी सुलेमान जी, बाद में फोन करना, जरा बिजी हूँ मैं अभी। हाँ हाँ, धमाकेदार मैच चल रहा है सर जी के ऑफिस में। तुझे कैसे मालूम? हाँ? लाइव टेलीकास्ट देख रहा हूँ ना। LBW ग्लीन बोल्ड किधर है तू? और जी मैं फायरिंग कर रहा हूँ आपके सामने वाली बिल्डिंग की छत से। क्या आशाएं बक रहा है तू? पहले फट्टू 25 और गोगी की रिक्वेस्ट थी कि फोन करके मारना। साहब पर्सनल मत लीजिए, मेरा धंधा है। और ये विकेट गिरी। क्या हो गया? बस बेटा ये क्या कर दिया दोस्तों ने? गुरु गन पर। ओ लवली लवली चल चल चल। गद्दार मारे थे पंगा 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 पंगा। चाचा तेरी रामलीला खत्म। छोड़ दे। Don't touch my gun! Oh! क्या कर रहा भाई? अरे क्या कर रहा भाई? भावना हो गया ये। क्या कर रही गणपत? नहीं गणपत नहीं मत। पैसा 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 पैसा। ओला गणपत था भाई, गणपत। ओके ओ कोई क्या करते भाई? मतलब बने थे भाई। ओले शांति। अरे गणपत मेरे भाई। अरे गणपत थे वो। नहीं खाली गोली खाली कर रहा है। गणपत की गोली है क्या कर रहा है? हट। नहीं 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 नहीं। अरे अरे मेरे ऊपर का जीप का है। जीप जीप उधर, जीप उधर उधर है। जीप याद आ गया इसको। अरे वो वहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? गुरु गुरु मैं यहाँ कैसे पहुँचा? अरे गुरु याद आ गया इसको। पानी। ये चौकी कौन है? ये मोना है। हाँ वेलकम 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 वेलकम। सो वन फैमिली फोटोग्राफ प्लीज। वन टू। कौन छू मने खबर न थी। मारी मम्मी कौन छे, मारा डैडी कौन छे। नगरी है। आ गए यहाँ पे घर दिल हरा, जीना चाहे दिल दोबारा, वापस जाने का कोई नहीं चला। मुंबई वन वे नगरी है। दिल हरा, जीना चाहे दिल दोबारा, वापस जाने का कोई नहीं चाहा। मुंबई वन वे नगरी है। कोई तो दुनिया ढल के हुआ चल ऐसी यहाँ की शामें हैं, अपने पिया की तकती हो जाओगे ऐसी यहाँ की यादें हैं। कोई तो दुनिया ढल के हुआ चल ऐसी यहाँ की शामें हैं, अपने पिया की तकती हो जाओगे। समझ गया जो है ये उसी की एन स्ट्रीट ना भूल भुलैया। मुंबई मन में नगरी है। इसने कमाया, उसने चुराया, इसने बचाया, उसने छुपाया, इसकी नजर में उसके सपने अपना जो है वो है बजाया। आपके यहाँ पे हर दिल हारा, जीना चाहे दिल दोबारा, वापस जाने का कोई नहीं जा रहा। मुंबई वन वे नगरी है। कोई तो दुनिया ढल के हुआ